19 दिन का समय उन लड़कों के लिए नहीं है जो कि शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उन लड़कों के लिए है जो पीटी में भी पढ़े थे, पीटी के बाद भी मेंस भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए 19 दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन होता है। जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है उसको बनाए, जो इन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि करेंट अफेयर्स मुख्य परीक्षा में नहीं है, इसके बावजूद करेंट अफेयर्स ये लोग 2021 के दिसंबर से लेके आपको मार्च 2022 तक के प्रतियोगिता दर पर वो गहराई से पढ़े और अपना ओएमआर सीट बहुत मजबूती के साथ भरे, बहुत बढ़िया से भरे, क्योंकि ओएमआर सीट नहीं भरेगा तो चाहे आप कितने स्कोर कर लीजिए रिजल्ट नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूँ आदेशपुरी। 2213 बिहार दरोगा का मेंस के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में देखा जाए तो 18-19 दिन बचा हुआ है। हमारे साथ हैं रहमान सर से ही बात करेंगे। सर, आज एडमिट कार्ड जारी हो गया, 24 अप्रैल से परीक्षा है दरोगा 2213 का मेंस। 24 अप्रैल को परीक्षा है। ये तो एक बात आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें आदेश, कि 2213 के प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और 2213 के प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह से का परीक्षा हुआ, इसमें हल्ला हल्ला नहीं हुआ, किसी से वायरल का क्वेश्चन हल्ला नहीं हुआ, तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय भी मुख्य परीक्षा में भी यही करेंगे। लेकिन 19 दिन का समय उन लड़कों के लिए नहीं है जो कि शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उन लड़कों के लिए है जो पीटी में भी पढ़े थे, पीटी के बाद भी मेंस भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए 19 दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन होता है। और मैं उनसे यही कहूँगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो इन लोगों ने जो किताब पढ़ा था, जो क्वेश्चन बनाया था, वो किताब जो उन्होंने पढ़ के लाइन लगाया है उसको अच्छा से एक बार देख लें, और जो जो क्वेश्चंस इन लोगों ने प्रैक्टिस किया उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। कोई हो सकता है कोई नया गाइड दे दे, कोई उल्टा गाइड दे दे, कोई टेढ़ा गाइड दे दे, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है उसको बनाए, जो इन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि करेंट अफेयर्स मुख्य परीक्षा में नहीं है, इसके बावजूद करेंट अफेयर्स ये लोग 2021 के दिसंबर से लेके आपको मार्च 2022 तक के प्रतियोगिता दर पर वो गहराई से पढ़े। और प्रतियोगिता दर पर में बहुत तरह चीज़ रहता है कि आप जानते हैं, इसे भी जाने, तो उस स्टैटिक क्वेश्चन पकड़ाया था उसको पढ़ें। और सामान्य ज्ञान की जो भी किताबें इन लोगों ने पढ़ी है, चाहे किरण का पढ़े हों, के बी सी नैने को पढ़े हों, या जिसका भी पढ़ा इन लोगों ने, उस सामान्य ज्ञान की किताब को एक बार रिवाइज कर ले और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 16,500 लड़का पीटी में फेल किया था आपको एएमआर सीट ठीक से नहीं भरने कारण, तो मैं बच्चों से यही अपील करूंगा कि 5 मिनट देरी करो, 10 मिनट देरी करो, लेकिन आप जो हैं अपना ओएमआर सीट बहुत मजबूती के साथ भरे, बहुत बढ़िया से भरे, क्योंकि ओएमआर सीट नहीं भरेगा तो चाहे आप कितने स्कोर कर लीजिए रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए ओएमआर सीट भरें, रेगुलर पढ़ते रहें। कोई भी दलाल, चोर, सेटरबाज, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा घूमना शुरू कर दिए हैं मार्केट में, चाय की दुकान पर देखिए, कहीं भी देखिए, तो ये दलाल लोग घूमना शुरू किए, उनसे अलग रहिए, उनसे बच के रहिए, नकारात्मक छवि अलग से बच के रहिए। जो आपने पढ़ा है जम के रिफाइज कीजिए, डेली कम से कम 2 से 3 सेट का प्रैक्टिस कीजिए, और 3 लड़कों का ग्रुप बनाइए। मैंने पहले भी कहा था 3 लोगों का ग्रुप बनाइए, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, एक बच्चा हो गया, अब 3 ग्रुप बनाते हैं, ये क्वेश्चन 100 को बनाते हैं, आप 100 बनाते हैं, हम 100 बनाते हैं, तीनों हम लोग ग्रुप बना के उसको डिस्कस करें। ज़्यादा लोगों में डिस्कशन ठीक नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनका रिजल्ट होगा और निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत बहुत किया है। सर, एक और दिशा निर्देश भी जारी हुआ है, उस सब को लेकर भी सर बता दीजिए सर, कि ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, नहीं रहने पर RT-PCR 1 हफ्ता का होना चाहिए। हाँ हाँ, तो ये मैं तो पहले ही कहा कि रिजल्ट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होता है कि अपने रिजल्ट की रखलाबो किस तरह से अपने ओएमआर सीट भरा है कि नहीं। इसमें स्पष्ट दिया है कि अगर जिसने वैक्सीनेशन तो ऑलमोस्ट लोग करा लिए, जो नहीं कराया वो बदमाशी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसने वैक्सीनेशन गलती से बदमाशी से नहीं कराया है, तो अब 800, 1000, 1200, 1400 रुपये लगा के वो RT-PCR करा लें, 1 सप्ताह पहले का RT-PCR करा लें, वो सारा मानदंड ठीक से रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इन लोग से
पता नहीं पानी उन्हें ले जाने देता है कि नहीं, लेकिन एक ग्लूकोन डी का डब्बा ग्लास पूरे बोतल में रख के ये लोग लेके जाएं। और मुझे लगता है कि जो तैयारी इनकी है वो तैयारी इनको निश्चित रूप से सफलता दिलवा देगा। और रही बात की यूट्यूब पर हल्का हल्का क्वेश्चन देख के वो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये मुख्य परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में जितना जज भीतर से जुनून होगा, जोश होगा, कंसंट्रेशन होगा, कोई गलती नहीं करेंगे, वो मार्कशीट में कोई गलती नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट सी हो रहा है इनका। तो रहमान सर थे और इन्होंने बताया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, और 17-18 दिन बचा हुआ है तो उसी तरह तैयारी करना है, और 22-17 का ये मुख्य परीक्षा है, इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।